रोजगार के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का मौन व्रत रख राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में 2015 से लेकर अब तक सभी भर्तियों में पेपर लीक किए गए हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त बताती है। वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने कहा, आज जिस प्रकार से भाजपा बराबर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे साफ होता है कि भाजपा सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। इसी बात को लेकर आज सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक दिवसीय मौन व्रत रखा गया। हमारा कहना है, कांग्रेस का कहना है, युवाओं को कहना है कि वह परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए और इसकी जांच पड़ताल सीबीआई से करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई जांच करे, ये हमारी मांग है। तो इसके भ्रष्ट है, देखिए कभी भी 2015 हो 16 हो, कभी भी जो भी इस तरह के मामले हैं सबकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नहीं तो सदन में नियम 310 के अंतर्गत इसको उठाना चाहा और माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने नियम 58 में उस बात को सुनने का आश्वासन किया, लेकिन चर्चा हुई, सरकार सवालों से बच रही और मौजूद में सत्र समाप्त कर दिया गया। लगातार पिछले 6 साल से इनकी सरकार है और इनकी सरकार में ही पेपर सारे लीक हुए हैं। ये साफ प्रतीत हो चुका है कि संरक्षण दे रहे हैं भर्ती माफिया को, भर्ती माफिया खुद है। उसे प्रदेश की सरकार को जानना चाहिए, वरना क्या नारा है, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। उतार दीजिए होर्डिंग, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व उतारिए, सबका साथ सबका विकास उतारिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये झूठ के पुलिंदे और झूठे वायदे करते हैं और असलियत यह है कि आज हताशा में और निराशा में यहाँ युवाओं को इन्होंने धकेल दिया। पूरी चयन प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया पे एक माफिया हावी हो गया है, लगातार पेपर लीक कर रहे हैं। और जो अति गोपन विभाग है इसका, लोक सेवा आयोग का, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बनता है जिससे सारी परीक्षाएं संचालित होती हैं। सबको आशंका ये हो चुकी है क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन बैंक लीक हो चुका है। अभी पीसीएस की एग्जाम 28 से 31 तक मेंस के 11,000 जिसमें अभ्यर्थी हैं, अगर उसमें इस प्रकार का अन्याय हुआ और ये बच्चों की मेहनत पे पानी फिरा, तो ये जितने युवा हैं इस प्रदेश के पूरे सड़कों पर उतर कर सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लेंगे। तो सबको नींद से जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जो भर्ती माफिया है इस पे राजनीतिक शरण है, इस वजह से ये लोग संरक्षित भी हैं और लगातार पेपर लीक।